तो गेस करो इस गाड़ी में कौन सा भाई को लेना है और कौन सा देखने के लिए आया है। पहली बार भाई इसको चलाना जो एक्साइटमेंट है ना, वो नया नया गाड़ी खरीदने में जो एक्साइटमेंट है वही लग रहा है। ओहो मैन, इंजन कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही है, हो सके वो थोड़ा एग्रेसिव ट्यून है, थोड़ा कामली ट्यून है। वो भाई टू सिलेंडर में इतना इंजन स्मूथनेस मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था। वेलकम बैक टू आंध्र ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्काई का कंडीशन एकदम ख़राब है, इसलिए क्या है कि व्लॉग छोटा बहुत ही होगा। मेरा एक भाई कॉल किया, दादा आओ थोड़ा शोरूम जाना है, थोड़ा बाइक देखना है। एक्चुअली उसका प्लान चल रहा है, वो मेरा ही एक समय स्टूडेंट था, मैं उसको पढ़ाता था, वो अभी बड़ा हो गया तो वो बाइक लेगा। तो कौन सा बाइक लेगा वो तो वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो इसलिए भाई वीडियो एंड तक देखो। और तो 15 अगस्त राइड में मैं पहले से आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये टायर अगर खोल दूँगा और भाई पूरा नेकेट सा पीछे में लुक आएगा, तो इसके लिए भाई ट्यून रहो और जो नया हो चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब ठोको। कौन बाइक गेस करो और कौन सा शोरूम जा रहा हो वो भी गेस करो। चलो यार अभी ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ, हम लोग का 14 नंबर बोलकर एक जगह है, 14 नंबर बोलकर एक बस, मैंने यहाँ से छोटा था ये स्टैंड था 14 नंबर, वहाँ से नाम आ गया 14 नंबर। एक्चुअली ये बियाला स्टॉपेज है। तो चलो यार अभी किधर मेरा भाई रुका हुआ है वो देखना पड़ेगा। चलो हाँ, ये हेलमेट चोरम है, ये हेलमेट तो चोरम ही है। चलो ये तुम्हारे लिए हेलमेट है। और गाइस मिला देते हो, ये मेरा स्टूडेंट था एक कलिन में, तो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत बढ़िया मेरा भाई है। तो चलो अभी भाई के साथ शोरूम जाते हैं, बहुत दिन बाद एक्सपीरियंस ले रहा हूँ आरसी 390 का। लास्ट टाइम जब मैं 390 पे आपके वाले 390 पे मैं चला था, हाँ वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। हाँ अभी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया क्योंकि इसका पूरा क्लीनिंग विलिंग सर्विस हो गया है, बढ़ा दिया है। हाँ BHP भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। अभी मैं कंट्रोल करके चला रहा हूँ, ये खींचने का मन हो रहा है इस गाड़ी का। सो गाइस ये रहा जहाँ पर मेरे को आना था, भाई को आना था, वो ये शोरूम रहा। तो ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम, इसमें बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जब क्लासिक रिबॉर्न आया था, यहाँ पर से कॉल आया था मेरे को, फिर भाई के साथ आया और देख सकते हो कई सारा बाइक्स है। और ये भाई मीटियोर का नया मॉडल है ना, ये मीटियोर का नया 650 है, सुपर मीटियोर है। तो गेस करो इस गाड़ी में कौन सा भाई को लेना है और कौन सा देखने के लिए आया है। तो चलो यार अभी जाते हैं शोरूम के अंदर और देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं। हाँ अंदर जाके देखते हैं और क्या होता है वो तो आप लोग पता चल ही जाएगा। A few moments later. तो गाइस पहली बार मैं कॉन्टिनेंटल GT चला रहा हूँ, तो भाई को ये गाड़ी पसंद आया और भाई देखते हैं इसको फील लेते हैं पहले भाई के साथ और उसके बाद भाई बोलेगा कौन सा गाड़ी लेगा। पहली बार मेरा वीडियो में, मेरा चैनल में पहली बार
ये गाड़ी का भाई रिव्यू दूंगा और कैसा चलाने का एक्सपीरियंस है वो भी बोलूंगा। इसको ऑन करते इग्निशन। वो कूल मैन, ये आरपीएम है और ये भाई किलोमीटर है और कूल लग रहा है भाई एकदम भाई। 390 का पोस्ट में ही इसका सीटिंग पोस्टर है। चलो इसका स्टार्ट भी सुनते हैं, भाई बोला है भाई का रिकमेंडेशन से। ओहो मैन, ये भाई 650 सीसी है, ट्विन सिलेंडर इंजन है। क्या पावर है भाई। चलो यार पहली बार भाई इसको चलाना, जो एक्साइटमेंट है ना वो नया नया गाड़ी खरीदने में जो एक्साइटमेंट है वही लग रहा है। ओ मैन क्या पावर है भाई। ओ मैन इसको जो स्मूथ है भाई रॉयल एनफील्ड का, वो स्मूथ कुछ में भी नहीं है। अलग फील है, अलग। ट्विन सिलेंडर इतना पावरफुल होगा मालूम ही नहीं पड़ता है भाई, और इतना स्मूथ यार, एक मींस गियर शिफ्ट बोलो भाई, चलाने का मौज बोलो, कितना स्मूथ है भाई। वेट भी महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा सुंदर बैलेंस है, वेट बैलेंस है। और भाई सब मैनुअल सिस्टम है भाई, इसमें भाई आरपीएम मीटर है जैसे बोला, और किलोमीटर है, फ्यूल इंडिकेटर है। इसमें भाई ऑटो ट्रिप है, ट्रिप भी मिलता है और कुछ नहीं, कोई भाई किलोमीटर टू एमटी और भाई कुछ हाउ मेनी किलोमीटर रेंज कुछ नहीं बोलता है, पूरा रॉ है। और ओ मैन अलग ही नेचर है इसका, मैं तो भूल ही गया, इसका पूरा स्लीपर क्लच है। ये जो गाड़ी है ना इसमें भाई स्लीपर क्लच है, देखो गियर हार्ड शिफ्ट करो कुछ नहीं होगा, व्हील स्लिप नहीं करेगा इसका। इंटरसेप्टर है उसमें भाई रेस हैंडल बार है, ये भाई पूरा स्पोर्टी नेचर के है। 3000 RPM के ऊपर एकदम अलग ही नेचर हो जाता है इंजन का, और इंजन पूरा अलग ही ग्रांड देता है। और भाई सुपर स्मूथ, भाई एक ही बात बोलूँगा, सुपर स्मूथ इंजन है भाई। लॉन्ग टूर के लिए एकदम कंफर्टेबल पोस्टर है, कंफर्टेबल है भी। तो इंटरसेप्टर भी चलाऊंगा, दोनों गाड़ी आप लोगों को फीलिंग दूंगा। तो पहले मैं इंटरसेप्टर चला चुका हूं, बट ये गाड़ी पहली बार मैं चला रहा हूं और इसका अलग ही लेवल है भाई। जैसे व्हिसलिंग एकदम साउंड है, जो पावर है ना भाई इतना लिनियरली दे रहा है ना, ऐसा लग रहा है झटका पटका कोई फीलिंग नहीं है, पूरा रिफाइंड पावर दे रहा है इसमें भाई, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जैसे 650 में दूसरा गाड़ी में जैसे मिलता है। तो ये पूरा एकदम रॉ है, और भाई ये जो व्हिसलिंग भाई इतना अच्छा लग रहा है क्या बोलूं। जैसे लग रहा है S2R चला रहा हूँ, इतना व्हिसलिंग मार रहा है। तो चलो अभी शोरूम भी आ गया। सामने का पोर्शन वॉबल होता है। हाँ वो तो वॉबल होता है, पर मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ, हो सके किसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर मेरे को जो चलने का फीलिंग लगा वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। वेट करते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, और बढ़िया से बेहतर है जो इंजन का वो भाई, टू सिलेंडर में इतना इंजन स्मूथनेस मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो चलो अभी उसको टेस्ट राइड देने देते हैं और उसके बाद भाई हम लोग मीन्स इंटरसेप्टर में स्विफ्ट करेंगे और इंटरसेप्टर में देखेंगे। गाइस अभी उसको आना देते हैं, भाई को आना देते हैं और फिर ब्लॉग कंटिन्यू होगा। क्या छोटा सा पॉइंट जो मैं, हाँ बोलो बोलो बोलो, इसका जो थ्रॉटल है, हाँ ये 390 जैसा क्विक रिस्पॉन्सिव नहीं है। ना ना ये 390 में तुमको इंस्टेंट रन मिलेगा जैसे सब जानते हैं, वो एक्चुअली शॉर्ट पिकअप गाड़ी है और BHP भी बहुत गाड़ी है, ज़्यादा है BHP, तो इसलिए तो इसमें तुमको पावर लैग बहुत मिलेगा, इसलिए ये पिकअप उठने से 390 बीट कर देगा। ठीक है तो गाइस ये रहा चाबी इंटरसेप्टर का, तो अभी इंटरसेप्टर एक्सपीरियंस करूँगा। पहले एक्सपीरियंस किया था पर उस टाइम GoPro नहीं था। ये भाई मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, अपराइट पोस्चर है एकदम भाई, रिलैक्सली बैठो और रिलैक्सली हाईवे में रन करो। तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, उसका जो डायल कंसोल है इसका डायल कंसोल सेम ही है, सिर्फ
वो क्लिप ऑन है, इसमें भाई टोटली एकदम अपराइट हैंडल बार है। इंजन कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही है, हो सके वो थोड़ा एग्रेसिव ट्यून है, थोड़ा कामली ट्यून है, तो इसको राइड करते हैं फिर आप लोगों को इसके बारे में बोल दूंगा। ये हैंडल बार थोड़ा हेवी लग रहा है सामने में, वो जो निम्बल था उसमें इसमें नहीं मिल रहा है भाई। इसका हैंडल में थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है इशू है। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ एकदम भाई कामली राइडिंग के लिए, वीकेंड राइड में जाओ कामली जाओ, 200-500 किलोमीटर कोई बात नहीं इसको चलाना। और भाई इसको मेरा जो लग रहा है हैंडल में थोड़ा बॉल रेस्टर का इशू है, क्योंकि हैंडल थोड़ा ना भाई सख्त है, निम्बल नहीं है। और जैसे बाकी तो सब सेम ही है, ये भाई लेफ्ट राइट स्विच गियर है और ये हाई लो है और ये हॉर्न है और ये भाई किल स्विच है और ये भाई क्रैंकिंग है, और कुछ ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। पोस्चर चेंज है, दोनों का अलग अलग पोस्चर है। बाकी गियर फियर सब भाई स्लीक एंड स्मूथ है, एकदम KTM के बराबर। 45 डिग्री फायरिंग पोजिशन है इसका, इसलिए भाई इतना स्मूथ और इतना पावर अच्छा डिलीवरी हो रहा है, और वाइब्रेशन एकदम नया के बराबर है, एकदम वाइब्रेशन नहीं है। भाई 100 उठने वाला ही था, क्योंकि यहाँ पर 100 चलने वाला रास्ता नहीं है, तो थोड़ा पावर FM पावर डाउन कर लिया इसका। भाई माइलेज आप लोग को एकदम ओरिजिनल कहूँ, माइलेज एकदम 21-20 मिलेगा जो भी बोलो, पर चलाने में अगर स्मूथनेस बोलो ये गाड़ी है पूरा स्मूथ है। तो भाई फ्यूल इंडिकेटर है, भाई फ्यूल इसमें है, उसमें फ्यूल कम था, और जैसे इसमें भी भाई ट्रिप है, ट्रिप भी है। मैं कोई नया नहीं हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ, नया गाड़ी नहीं, पर जस्ट तुम लोगों को मेरा राइड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये भाई स्टीयरिंग डैपनर है, पर इसका कोई काम नहीं है, ये जस्ट स्टीयरिंग वाइब्रेशन को थोड़ा कम करता है, कम करता है कि नहीं, एक्चुअली जो सुपर बाइक में मिलता है वो डैमनर है रहता है, उसमें भाई ऑयल रहता है तो पूरा एकदम बढ़िया सा डैम्पिंग करता है। इसमें वो फैक्टर काम करता है कि नहीं वो मालूम नहीं है मेरे को, पर फिर भी दिया है तो कुछ काम के लिए ही दिया है। बाकी भाई ये जो भाई पोस्टर है ना, काटा घूमता है ऐसा ऐसा करके, ये मेरे को बहुत फर्स्ट क्लास लगता है। चलो अभी मेरा GoPro का उतना चार्ज भी नहीं है, मालूम नहीं कितना तक रिकॉर्ड कर पाऊँगा मैं, पर फिर भी मेन पोर्शन जो है यही था आज का वीडियो। तो ये दोनों गाड़ी में ही मेरा भाई लेगा, तो डिसाइड करेगा इसके बाद, टेस्ट साइड लेगा वो भी, उसके बाद डिसाइड करेगा कौन सा गाड़ी लेगा। तो गाइस आज का वीडियो यही था, अलग से वीडियो आएगा जब डिलीवरी लेगा, तो अभी डिसाइड का फैक्टर चालू है कौन सा बाइक लेगा, इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल GT, वो डिसाइड करने बाकी है भाई को। वीडियो को यहीं पर एंड करना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप लोग बोलोगे इतना लंबा वीडियो आप लोग व्यूज नहीं दोगे, तो चलो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरा कोई ऐसा ही वीडियो में। टिल देन अच्छे से राइड कीजिए, और क्या है हेलमेट जरूर पहनिए और भाई सेफली राइड कीजिए। चलो मिलते हैं दूसरा कोई ऐसा ही ब्लॉग में, और एंजॉय करते रहो मेरा वीडियो से, और सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। चलो बाय बाय, टेक केयर।